जिसम ती देखिए वो इलाका रजा कहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, सिलसिला है आला हज़रत के खुलफा और मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख फिरोज़ कादरी। आप देख रहे हैं मीम टीवी। मीम टीवी पर यह सिलसिला आपके सामने पेश किया जाता है। इस सिलसिले में हम आला हज़रत इमाम अहल सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाजिल बरेलवी नव्वरल्लाह मरकदहू के खुलफा किराम के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। इस सिलसिले में हम आपको आला हज़रत इमाम अहल सुन्नत नव्वरल्लाह मरकदहू के खुलफा किराम की सीरत मुबारक पर तबसरा सुनाते हैं और हम तज़किरा करते हैं उन अजीम शख्सियात का कि जिनको इमाम अहल सुन्नत नव्वरल्लाह मरकदहू ने खिलाफत अता फ़रमाई। नाज़रीन मोहतरम, अब तक हम इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के 8 खुलफाए किराम के हवाले से मुफस्सल गुफ्तगू कर चुके हैं, जो कि आप हमारे वेबसाइट पर मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। आज हम जिस शख्सियत पर गुफ्तगू करेंगे, उन्हें खुलफाए आला हज़रत के दरमियान बहुत सी जिहाद से इनफरादियत हासिल है। आप मोहब्बत शेख में फनाइत के दर्जे पर फाइज थे। यही वजह है कि आपसे मुतालिक सदरुल अफाजिल मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक मौके पर फरमाया था कि मैंने खुलफाए आला हज़रत में इन जैसा फनाफिस शेख किसी को नहीं देखा। नाज़रीन मोहतरम, आपने यकीनन मज़ार आला हज़रत की ज़ियारत की होगी। इसके खूबसूरत गुंबद और तामीरी महासिन में भी हमारे ममदूह का हाथ है। जी हाँ, आप ही ने आला हज़रत अली रहमा के मज़ार मुबारक का गुंबद डिज़ाइन किया। आज हम आला हज़रत इमाम अहल सुन्नत के जिस खलीफा का जिक्र करने जा रहे हैं, उनकी शख्सियत का एक इम्तियाजी पहलू ये भी है कि बवक्ते अताए खिलाफत कि जब सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत नव्वरल्लाह मरकदहू की उम्र शरीफ 40 बरस थी, उस वक्त आपकी उम्र 80 बरस थी। यानी कि आपको इस एतबार से सैयदी आला हज़रत अलैह रहमा की ज़िंदगी में आपके मुअम्मर तरीन खलीफा होने का एजाज़ भी हासिल है। इसके अलावा आप आला हज़रत के अव्वलीन सीरत निगार भी हैं। आपने ज़िक्र रज़ा के उनवान से सैयदी आला हज़रत अलैह रहमा की पहली मंजूम सीरत तहरीर फरमाई। नाज़रीन मोहतरम, हमारी मुराद खलीफ़ आला हज़रत फनाफिस शेख सूफ़ी बासफ़ा हज़रत ज़ैगम मिल्लत अल्लामा मुफ्ती महमूद जान खान कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। नाज़रीन मोहतरम, अल्लामा महमूद जान खान कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह 1835 ईस्वी में पिशावर में पैदा हुए। आपका ताल्लुक मर्दान के अफ़गानी कबीले मीर मलिक ज़ई से है। नाज़रीन मोहतरम, उम्मत मुस्लिमा की खिदमत और रहनुमाई उनके आबा व अजदाद की खूबियों में से एक खूबी थी। बुनियादी तालीम अल्लामा साहब ने अपने वालिद माजिद मौलाना हाफिज़ गुलाम रसूल रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सरपरस्ती में हासिल की। फिर दारुल उलूम अमीनिया दिल्ली में उलूम दीनिया की तकमील फरमाई। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद आपने काठियावाड़ जाम जोधपुर ज़िला गुजरात की तरफ हिजरत फरमाई। आप अपनी मुनाजिराना सलाहियतों की वजह से मशहूर थे और कई ईसाई रहनुमाओं को मुनाजरे में शिकस्त फाश दे चुके थे। नाज़रीन मोहतरम, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत नव्वरल्लाह मरकदहू ने पहली मुलाकात में ही अल्लामा साहब को इजाज़त खिलाफत से नवाजा और इंतहाई मोहब्बत का इजहार फरमाया। आपकी अजीम दीनी खिदमात हैं। जब माहनामा अल-फकीह जारी हुआ तो काठियावाड़ में उसकी घर घर तरसील फरमाते और अपनी तरफ से उसकी इशात में कसीर रकम खर्च करते। पूरे इलाके में आपने दीनी अकदार को 4 चांद लगा दिए थे। आपने आला हज़रत इमाम अहल सुन्नत नव्वरल्लाह मरकदहू की मंजूम सवान हयात ज़िक्र रज़ा के उनवान से लिखी और शाया फरमाई। आला हज़रत अली रहमा के मज़ार शरीफ का नक्शा भी आप ही का डिज़ाइन करता है। खलीफा आला हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद जान खान कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इजाज़त व खिलाफत के बावजूद किसी को दाखिले बैत ना किया और किसी को खिलाफत ना दी, मगर आपके अकीदतमंदों की तादाद पाको हिंद, बांग्लादेश, अफ्रीका और दीगर ममालिक बईदा तक में है। आपने जाम जोधपुर की मस्जिद में तकरीबन 80 बरस इमामत व खिताबत और तबलीग व तदरीस फरमाई और तमाम दीनी खिदमात हमेशा बिला मुआवजा सर अंजाम दी और ज़रिए मुआश आपने तिजारत रखा। नाज़रीन मोहतरम, खलीफा आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती महमूद जान खान कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पीले रंग का फूलों वाला इमामा ज़ेब सर फरमाते थे। आप मेहमान नवाजी और अहले इल्म की खातिरदारी में मशहूर थे।
हक की राह में तमाम उम्र मर्दे मैदान रहे। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती महमूद जान कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत नव्वरल्लाहु मरकदहु की शान में एक मनकबत भी तहरीर फरमाई, और जबकि पूरी एक मंजूम किताब आपने समाअत फरमाया कि आला हज़रत अलैह रहमा की सीरत पर आपने लिखी थी, एक मनकबत जो आपने तहरीर फरमाई हम आपके सामने पेश करते हैं। लिखते हैं, हमने क्या अहमद रज़ा देखा तुझे, हमने क्या अहमद रज़ा देखा तुझे, सिर ज़ाते मुस्तफ़ा देखा तुझे, ज़ुबदाए अहले तका देखा तुझे, ज़ुबदाए अहले तका देखा तुझे, उम्दाए अहले सफ़ा देखा तुझे, क्या बताऊँ मैंने क्या देखा तुझे, जो लिखूँ उससे सिवा देखा तुझे। हक तआला की कसम अहमद रज़ा, हक तआला की कसम अहमद रज़ा, नाइबे खैरुल वरा देखा तुझे, शम्मे आहयाए सुनन पर रोज़ो शब, शम्मे आहयाए सुनन पर रोज़ो शब, मिसले परवाना फिदा देखा तुझे, जुहदो तकवा में बसर की जिंदगी, जुहदो तकवा में बसर की जिंदगी, मेहरे चरखे अस्तफा देखा तुझे। तुझसे दीने पाक ने पाई जिया, मशअले जुए हुदा देखा तुझे, जान जब तक जिस्म में बाकी रही, हमने शहदा दीन का देखा तुझे, खल्क में जारी तेरा बहरे फ्यूज, मंबए लुत्फो अता देखा तुझे, भागते थे तुझसे आदाए सुनन पर तुए शेरे खुदा देखा तुझे, बंदाए महमूद जाने ए रजा, मक्ते में फरमाते हैं बंदाए महमूद जाने ए रजा, मजहरे जाते खुदा देखा तुझे। तो नाज़रीन मोहतरम, ये वो मनकबत थी जो कि हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती महमूद जान खान कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की शान में तहरीर फरमाई। नाज़रीन मोहतरम, अल्लामा महमूद जान कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हक की राह में तमाम उम्र मर्द मैदान रहे। आप मुस्तजाबुद दावात थे, मौलिक ज़ख़म पर भी अगर लुआब दहन लगा देते तो मरीज़ शिफा याब हो जाता था। आपने अपने इलाके से गलत रसूमात का खात्मा करके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की सुन्नतों का निफाज फरमाया। हज़रत सदुल फाजिल मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपसे मुतालिक फरमाते थे कि मैंने खुलफाए आला हज़रत में मौलाना महमूद जान कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जैसा फनाफिश शेख किसी को नहीं देखा। 3 सफरुल मुजफ़र 1370 हिजरी बमुताबिक 14 नवंबर 1950 ईस्वी को 118 साल की उम्र में आपका विसाल हुआ। आपका मज़ार शरीफ जाम जोधपुर गुजरात इंडिया में है। अल्लाह ताला की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी मगफिरत। नाज़रीन मोहतरम, आपने सिलसिला आला हज़रत के खुलाफा की 9वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाई। इंशाअल्लाह 10वीं किस्त में एक और खलीफा आला हज़रत की सीरत के साथ हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस्म देखिए वो इलाका रज़ा कहे।